हेलो डियर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज दीपेन गोगे और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज और देखेंगे आज बैंक निफ्टी क्या होने वाला है। सो दिस इज दिस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जस्ट वंस रीड। सो स्टार्ट राइट नाउ, आई कैन सी दिस वन बैंक निफ्टी 4 आवर चार्ट और आज बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट 25685, फर्स्ट रेजिस्टेंट 25836 एंड सेकंड रेजिस्टेंट 25936 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 26087 एंड द फर्स्ट सपोर्ट 25585, सेकंड सपोर्ट 25434 एंड द थर्ड सपोर्ट 25334। तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी, सो मैंने थोड़ा डेली चार्ट कर दिया, ये डेली तो वीकली आप देख सकते हैं यही रेंज में है जैसे हम पहले बात किया था। ठीक है, तो हम देखेंगे डेली, डेली में क्या है। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया में है, यहाँ पे आप तो देख सकते हैं ये एक पहले ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए, ये 200 मूविंग एवरेज जो ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर, ये 200 मूविंग एवरेज है, राइट। तो यहाँ से पहले एक रेजिस्टेंस लाइन नेक्स्ट फिर से एक ट्राई किया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से अभी आज अभी देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज के आसपास है। तो अगर आपको बाय लेना है तो इसको आप ऊपर ही लेना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं अराउंड 25842 उसका ऊपर ही बाय लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसको ब्रेकआउट नहीं किया तो मार्केट फिर से नीचे आके एक रेंज में चलना शुरू कर सकता है, राइट ऐसा। तो इसलिए आपको अगर बाय लेना है इसका ऊपर ही बाय लेना चाहिए, राइट। तो अगर हम देखेंगे फोर आवर में आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही रेंज में ही है, अभी तक ब्रेकआउट किया नहीं, तो अभी भी कुछ हमें बाय का कंफर्मेशन नहीं मिला अभी। तो आप फोर आवर में आप देख सकते हैं स्टॉक स्टिक ओवर बहुत जोन में है और सीसीआई भी, तो ये फिर रिवर्स होके नीचे आ सकता है, राइट। तो नीचे आ सकता है, तो इसलिए आप पहले इसको कन्फर्म कर लीजिए, इसको ब्रेकआउट किया क्या नहीं किया। अगर ये लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया तो मुझे लगता है मार्केट नीचे आ सकता है, राइट, क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी नहीं बोल सकता, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें कॉन्फर्मेशन थोड़ा लेना चाहिए। तो इसलिए हम देखेंगे वन आवर में इसमें एक बुलिश पैटर्न मिला हमें जो हायर हाई, राइट। तो अगर इसको हायर को ब्रेक करे, जो मैंने ट्रेंड लाइन दिया था उसको, ये लाइन ट्रेंड लाइन, तो ये हायर को अगर ब्रेकआउट करे तो मुझे लगता है मार्केट तो ऊपर चला जाएगा यहाँ से, राइट। तो अगर छोटा टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट में देखे, 5 मिनट और 15 मिनट इसमें फुल्ली बुलिश, बता थोड़ा मार्केट जहाँ ओपन हुआ, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम में ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आज, लेकिन अभी ट्राई कर रहे हैं जो हायर पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए। तो आपको देखना है अभी हायर पॉइंट को ब्रेकआउट होता है नहीं होता, राइट। तो यहाँ से फिर से एक बार रिट्रेसमेंट हो सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ से वन ट्राई, पहले यहाँ पे और एक था ट्राई, अभी टू ट्राई, थ्री ट्राई, ये मार्केट फुल्ली एक रेजिस्टेंस जोन में है। तो बिना रेजिस्टेंस तोड़े आप मार्केट में घुसिए मत, क्योंकि यहाँ मार्केट फिर से वो 200 मूविंग एवरेज के पास आ सकता है। 200 नहीं तो आप देख सकते हैं ये 100 मूविंग एवरेज, तो 100 मूविंग एवरेज का आसपास आ सकते हैं, क्योंकि पहले 100 मूविंग एवरेज से बाउंस बैक होके जा रहा है, फिर से मार्केट 100 मूविंग एवरेज पे आ सकता है। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।